हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल लक के व्लॉग्स। दोस्तों आज का वीडियो है अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर। दोस्तों ये मेरा पहले भी मैंने वीडियो पाए थे अपना एफिलिएट मार्केटिंग पे, और लोगों को बताया था मैंने कि मेरे क्या इश्यूज आए थे मेरे एफिलिएट मार्केटिंग में, जो कि एक अमेजोन एसोसिएट एफिलिएट मार्केटिंग है। क्योंकि ये इश्यूज कहीं भी मुझे नहीं दिखे थे, क्योंकि जब मुझे इश्यूज मुझे जब मुझे प्रॉब्लम हुई थी मेरे पहले पेमेंट में, तो मुझे कहीं इश्यूज मुझे नहीं मिले थे। तो इसलिए मैंने फिर शेयर किया अपने इश्यूज की, जैसे ये देखिए मैंने यहाँ पे अपलोड की अपनी पहली वीडियो। तो यहाँ मैंने अपने इश्यूज शेयर किए थे इस वीडियो में कि मुझे क्या इशू आ रहे हैं मेरे पहले पेमेंट में। एंड देन जब वो इशू सॉल्व हो गया था, तब मैंने यहाँ पे दूसरी वीडियो पाई थी कि मेरा जो पेमेंट है वो आ गया है। तो ये लेकिन मुझे अब फिर से इशू आया है, और काफ़ी अलग इशू है इससे, तो काफ़ी अलग ही है। इसमें इशू था कि मेरी पेमेंट नहीं आ रही थी, क्योंकि कि यहाँ से पेमेंट तो चली गई थी पर पेमेंट नहीं आई थी। अब जो इश्यू मुझे आया है आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे कि ये मेरा अकाउंट है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ आप वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल है लक के व्लॉग्स को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो इस रिक्वेस्ट जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा, एंड आई विल क्रिएट मोर वीडियोज़ जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो आपको दिखाऊँ मैं इश्यूज़, जो ये इश्यूज़ हैं जैसे देख पा रहे हैं आप। तो ये जो आप जैसे इसमें जो अमेज़न का जो अगर आप भी अमेज़न करते हैं, आप भी कर रहे हैं फ्लैट मार्केटिंग, या आप नहीं करते हैं तो आपको मैं चीज़ बताता हूँ। जब भी आपकी पेमेंट आती है तो वो 1 जून को होती है या 2 जून को होती है, ठीक है। जैसे कि अगर 1 जून है, अगर मतलब अगर मान लीजिए फरवरी है, तो जो नेक्स्ट फरवरी आएगा तो 1 फरवरी को मेरी यहाँ पेमेंट आ जाएगी जो मैंने कमाया था दिसंबर में, ठीक है। 2 महीने का बैक का होता है जिसमें पेमेंट आता है। जैसे कि देख रहे हैं आप 1 जून को मेरा पेमेंट यहाँ शो कर रहा है 85 रुपीज़, फिर नेक्स्ट 1 जुलाई को, तो मतलब 1 तारीख को पेमेंट यहाँ पर आपको शो हो जाती है आपके जितना आपने पिछले मंथ में कमाया था, ठीक है, 2 महीने पहले कमाया था। जैसे कि अभी जो ये पेमेंट है, ये सॉरी ये दिखाता हूँ, जो एक जैन की पेमेंट है ये 854 रुपये थी, मतलब ये जो पेमेंट थी, ये पेमेंट थी मेरे नवंबर की, ठीक है ना। तो 2 महीने पहले की पेमेंट पहले दिखाता है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको आप पढ़ लेना, आपको मिल जाएगा कि कैसे पेमेंट का जो होता है सिस्टम। तो मैं अपना इशू बताता हूँ कि क्या इशू मुझे मिला था। तो जैसे देख रहे हैं कि ये जो ये पेमेंट थी 1 जनवरी की, तो ये पेमेंट थी मेरी 854 रुपये, ठीक है, जो जुड़ गई थी मेरे मेरे अकाउंट में, और उसका टोटल हुआ था 1836 रुपये। तो इसमें होता है अमेज़ोन में कि आपका 1000 रुपये अगर आपका हो गया आपके अकाउंट में, जैसे कि ये देख रहे हैं 1836 रुपये, अगर आपके अमेज़ोन में 1000 रुपये हो गए तो आपको मिल जाएंगे। लेकिन क्या वो मुझे पैसे मिले नहीं, देख रहे हैं, जो कि जब मेरा पेमेंट पूरा हो चुका है 1836 रुपये, मुझे नहीं मिला पेमेंट। यहाँ से पेमेंट कट भी नहीं हुआ था, लेकिन अब देखो कट हो चुका ना, लेकिन पहले पेमेंट कट नहीं हुआ था। यहाँ पे हर रंग का, जैसे ये ना हर रंग का इस तरह का यहाँ पे लिखा हुआ था, क्योंकि पेमेंट इसमें था, वो भी मेरे अकाउंट में नहीं आया था। क्योंकि पेमेंट जो अगर आपके यहाँ पे आ गई है, तो इसका मतलब पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाना चाहिए 1 तारीख को, लेकिन पेमेंट नहीं आई। तो ये बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि अगर आपको भी ये इशू आता है कि आप भी जैसे अगर पैसे कमा रहे हैं और आपका पेमेंट नहीं आया, तो जैसे अभी मैंने भी बहुत मेल किया अमेज़न वालों को, फिर से मेल किया, देख रहे हैं पूरी लिस्ट भरी पड़ी है अमेज़न की कि मेरा पेमेंट नहीं आ रहा, पेमेंट नहीं आ रहा, सब मैंने मेल किया था। तो फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा लगता है पेमेंट आएगा नहीं, क्योंकि जब यहाँ पे शो हो गया है यहाँ से पेमेंट तो तक मेरे अकाउंट में गया भी नहीं। और मैंने इनसे बात भी करी कि यहाँ पेमेंट तो शो हो रहा है बट पेमेंट तक मेरे अकाउंट में डिलीवर नहीं हुआ, यहाँ से भी अभी इन्होंने कट नहीं किया गया है, अभी अनपेड जीरो नहीं हुआ था। यहाँ पे अनपेड मेरा था 1836 रुपये, अभी यहाँ जीरो हो गए, पहले यहाँ पेमेंट ये लिखा हुआ था अनपेड कितना 1800 समथिंग, लेकिन अभी देख रहे हैं आप यहाँ पे 31 जैन लिखा हुआ है, ये मतलब कि ये पेमेंट मुझे कल मिला है, ठीक है, ये पेमेंट मुझे कल मिला है। तो मतलब 1 महीने बाद मेरी ये पेमेंट है 1 जैन की, ये मुझे मिली है 31 जैन को, मतलब ये पेमेंट को जो पेमेंट यहाँ पे आ चुकी थी उस पेमेंट को मेरे अकाउंट में आने में कितना टाइम लग गया था, 1 महीना। तो अगर आपको भी ये इशू आते तो आप टेंशन मत लीजिए, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, आप बस मेल कर दीजिए इनको, ठीक है। और अगर मेल से भी नहीं होता, तो मैंने क्या किया था, मैंने अपने पेमेंट हिस्ट्री, मैंने अपने यहाँ पे क्लिक किया था अपने अकाउंट सेटिंग में, यहाँ क्लिक करने के बाद मैंने अपनी अपनी जो मुझे लगा शायद मे बी मेरे बैंक अकाउंट में इशू आ रहा होगा, तो मैंने अपना बैंक चेंज करने की कोशिश करी, लेकिन मैंने चेंज नहीं किया, मैंने जस्ट उसको हल्का सा ऐसे एडिट किया था, बस उसको मैंने कैंसिल कर दिया, मैंने पेमेंट जो सेटिंग सेव नहीं करी, कैंसिल कर दी। जैसे मैंने कैंसिल करी ना, मुझे कल ही पेमेंट आ गया, तो मे बी शायद उसी चक्कर में पेमेंट आया हो, शायद सेटिंग छेड़ा से मैंने छेड़ा सेटिंग को, तभी शायद मेरा पेमेंट आया, बट पता नहीं, पर पेमेंट मेरा आ गया 31 जैन को। तो अगर आपको भी ये इशू मिलता है आपके अमेज़न पेमेंट अकाउंट में, तो आप घबराइए नहीं, आप एक तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा उसका इशू कैसे उसको सॉल्व करें, और या आप वेट कीजिए अपने पेमेंट का,
जिसे मैंने वेट किया, इस ये पेमेंट जो है मुझे मिली है 31 तारीख को। अब जो मेरी पेमेंट आएगी वो कल आएगी फरवरी की, तो फरवरी की पेमेंट मेरे को मिलेगी यहाँ पे आएगी, तो मैं देखूँगा क्या क्या वो पेमेंट मुझे कल मिलेगी या एक को या दो को पेमेंट आएगी, मुझे देखना है क्या वो पेमेंट मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी अपने अकाउंट में, या फिर से मुझे वेट करना पड़ेगा लाइक एक महीना फिर से। तो ये वो इश्यूज़ काफ़ी होते हैं जो अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग में। तो आपको कोई इशू मिलता है तो आप टेंशन मत लीजिए, वेट कीजिए या उनको रिप्लाई की आप बात कीजिए कि यहाँ से आपको कॉन्टैक्ट करना है, यहाँ से कॉन्टैक्ट कीजिए और उनको आप जैसे कि अगर मैं करता हूँ कॉन्टैक्ट तो यहाँ से आप इनको मेल कर दीजिए जो भी आपके इश्यूज़ आ रहे हैं, जो भी आपको रिपोर्ट करनी है तो आपको वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप करते हैं। तो ये था आज की वीडियो में, आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ गाइस लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लव के व्लॉग्स को जितना सपोर्ट करेंगे मैं उतना अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगा, आपके लिए आपको और मोटिवेट करूँगा। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे एंड स्टे ट्यून्ड।